करते हैं सिक्स क्लास का 18 चैप्टर, ठीक है। ये आपका 18 चैप्टर है, सबक नंबर 18। इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें आपको पढ़ना है नून गुन्ना के बारे में, ठीक है। नून गुन्ना कहते किसे हैं, देखिए ये आपको लिखा हुआ दिखा है नून गुन्ना। नून का मतलब होता है नून। अब नून आप ऐसे करके सर्कल बनाते हैं, डॉट रखते हैं बीच में ना, ये डॉट रखा हुआ है, ठीक है, इसे कहते हैं नून। अगर ये डॉट हम ना रखें तो इसे क्या कहते हैं, नून गुन्ना, ठीक है। यानी कि ये हल्का हल्की सी जहाँ पर आवाज़ आती है, जैसे अगर हम लोग सितंबर या इस तरह से लिखते हैं ना, तो जहाँ पे हल्की सी आवाज़ आती है उस टाइप की जगह पे ये यूज़ होता है, जहाँ पे नून की हल्की सी आवाज़ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए जैसे कि अब आपका यहाँ पे क्या दे रखा है, आत, आंचल, आंसू, आंगन। तो देखिए यहाँ पे नून की आवाज़ बिल्कुल हल्की सी आ रही है ना, पूरी नहीं आ रही, उसको कहते हैं। देखिए बाँटना, तो अब बाँट में ऐसा लगा डायरेक्ट बे अलिफ के बाद टे है ना, लेकिन यहाँ बीच में देखिए नून भी है। बाँटना, नून की हल्की सी आवाज़ आ रही है ना, ऐसे देखिए। बांस, चांद, दांत, सांप, मांग, ठीक है ना, अफशा, ताबा, दास्तां, दरख्शां, गुलिस्तां। देखिए जब लास्ट में आता है तो वो इसी तरह से बनेगा नून गुन्ना, यानी नून का शेप होगा लेकिन उसके अंदर नून की डॉट नहीं होगा, ठीक है। और अगर बीच में आता है तो सेम नून की तरह ही होगा, लेकिन इसकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी दब जाएगी, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब देखिए ईंट, सींग, डींग, नींद, बातें, हिकायतें, रातें, है ना, किताबें, मुलाकातें, तो इस तरह से आप लोग इसे लिख लेंगे और पढ़ेंगे भी साथ के साथ, ठीक है। अब अगला आप देखिए, अगर तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऊँट, ऊँचा, जू, जोंक, चोंच, टोंक, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। ये क्या लिखा है देखिए, आओ, जाओ, गाओ, लाओ, मनाओ, ठीक है। देखिए अब इन सब में जो है आओ आओ की ऐसी आवाज़ आ रही है ना, लेकिन देखिए इन सब में नून गुन्ना लगा हुआ है, ठीक है। आरज़ुओं, है ना, बाज़ुओं, ये देखिए लिखे ना, बाज़ुओं, ठीक। अंडा, बंगाल, तंग, जंग, जंगल, रंग, संग, कंगारू, गंगा, ईंच, ठीक है। ये इंच जो हम लोग इंच नापते हैं ना वो है इंच, रिंच, रिंग, सुंबुल, गुंबद, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसे पढ़ लेंगे। अब देखिए आपका क्या है, बकरी की मेमे, बिल्ली की मियाऊ मियाऊ, चिड़िया की चू चू, मुर्गे की कुकड़ू कू, तोते की टेंटे, कोयल ओ कौवे की काएं काएं, कबूतर की गुटुरगू, और अगला क्या लिखा है देखिए, मेंढक की टरटर, ठीक है। तो अब इस तरह से ये आपने पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं आगे आपको क्या करना है। हाँ, तो आगे आपको ये मश्क दिया हुआ है, इसमें आपको इन्हीं लफ्ज़ों को दोबारा दोबारा लिखना है। तो चलिए हम लोग एक बार लिख के देख लेते हैं कि हम कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, अलीफ मज़बर आ, ठीक है, नून, गाफ, और उसी के साथ ये करके नून, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया, आंगन, ठीक है। अब अगला क्या है आपका, दरख्शां, तो आप कैसे लिखेंगे, दाल, रे, खे, फिर उसी के साथ शीन, अलीफ और नून गुन्ना, ठीक है। उसके बाद अगला क्या लिखा है, ईंट, तो ईंट कैसे लिखेंगे, अलीफ, ये, नून, टे, ठीक है, ईंट, ठीक है ना। अब अगला आपका क्या है, अगला है आपका किताबे, काफ, ते, अलीफ, किताबे, ये और नून गुन्ना, किताबे, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, देखिए सीन, ये, नून और ये ऐसे करके गाफ, सींग, ठीक है ना। अगला आपका क्या है देखिए, गंगा, तो आप कैसे लिखेंगे, गाफ, नून, गाफ, अलीफ, गंगा, ठीक है ना। आप इसे साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे, क्योंकि मैं इस पे लिखती हूँ तो थोड़ी राइटिंग गंदी हो जाती है, लेकिन आप लोग अच्छी अच्छी राइटिंग पे ही लिखेंगे। चलिए अच्छा, अब देखिए ये नून गुन्ना से अब आपको नीचे खाली जगह दी गई है, ठीक है, इन सब में आपको नून गुन्ना लगाना है, और उसके बाद इस जगह पे आपको मिला के उन पूरे हर्फ को लिखना है। जैसे अब आप यहाँ नून गुन्ना लगाएंगे, यहाँ नून गुन्ना, यहाँ नून गुन्ना, सब जगह आप नून गुन्ना लगाएंगे, और जब नून गुन्ना बीच में आता है तब आपको पता है क्या करना होता है हमें, बीच में जब भी नून गुन्ना आएगा
उसको नून की तरह ही लिखा जाएगा, ठीक है। लास्ट में नून गुन्ना, नून गुन्ना की तरह रहता है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, अलिफ मजबर आ नून चे अल्लाह आचल, ठीक है ना। दूसरा क्या है देखिए, इसी तरह से मीम अलिफ माँ नून और गफ मांग, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे, आप इसी स्पेस पे लिखेंगे, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना आपको बार बार कि मैं थोड़ा बड़ा लिख रही हूँ, जिसकी वजह से मैं इस जगह पे पूरी तरह से नहीं लिख पा रही हूँ, ठीक। अगर अब अगला आपका क्या है देखिए, गाफ नून बे और दल, तो ऐसे ये हो गया गाफ, फिर ये हो गया नून, फिर ये बे और ये दल गुम्बद, ठीक है। इसी के बाद अगला क्या है देखिए आपका, चे वाओ चो, फिर नून और ऐसा करके चे, तो ये क्या हो गया चोंच, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अब आपका अगला क्या है, जीम नून गाफ और लाम, ऐसे इकट्ठा लिख दिया जाएगा ये जंगल, ठीक है। अब उसके बाद आपका अगला क्या है देखिए, बे अलिफ ते ये और नून होना बाते, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसे अच्छे अच्छे राइटिंग में लिख लेंगे। चलिए अब अगला देखते हैं आपका, यह दिया गया है के नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखवाइए। अब आपको जो ये तस्वीरें नीचे दी गई हैं, आपको इन सब के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको जो तस्वीरें दी गई हैं, आप बताइए कौन कौन सी किस किस की हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, ये गेंडा, जी बिल्कुल ठीक, ये गेंडा है। तो हम गेंडा कैसे लिखेंगे, देखिए गाफ ये गे, गाफ और ये गे, फिर ये नून का शोशा, फिर ये डाल, ठीक है, और फिर ये अलिफ गेंडा, ठीक। अगला क्या है, गेंद गाफ ये नून और दल गेंद। अगला क्या आपका, ईंट अलीफ ये नून और उसी के साथ टे ईंट, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिखते चलेंगे, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूँगी। अगला आपका देखिए क्या है, पतंग, तो कैसे लिखेंगे, पे ते नून और उसी के साथ गाफ, तो देखिए ये पे हो गया, ये ते हो गया, ये नून हो गया और फिर गाफ हो गया पतंग। अगला क्या है आपका, ऊँट, तो देखिए अलीफ वाव नून और टे ऊँट, ये देखिए नून का डॉट लगाया है मैंने, ठीक है, ऊँट हो गया। अब यहाँ पे पेश लग जाता है ना, इसलिए ऊँट पढ़ा जाता है, ठीक। चलिए अब क्या है, अंडा, तो अलीफ नून डाल और उसी के साथ अलीफ अंडा, ठीक है ना। तो आप लोग इसे अच्छा अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। अब देखिए क्या है, सांप सीन अलीफ, ये हो गया सीन अलीफ और ये हो गया नून और ये हो गया पे सब, ठीक है। अगला क्या है देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि रात है, लेकिन ये रात नहीं, यहाँ पे बात चांद की हो रही है, ठीक है। तो आप इसे चांद लिखेंगे, चे अलीफ जबर चा नून और साथ में दल चांद, ठीक है। अगला ये क्या है आपके, दांत, यस, किसने किसने ब्रश किया था, ठीक है, दाल अलीफ नून और ते दांत, ठीक है। हमें अपने दांतों की केयर के लिए दो टाइम ब्रश करना चाहिए, है ना, सुबह भी और शाम में भी। जो बच्चे ब्रश नहीं करते ना, उनके दांत बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, फिर बूढ़ापे जब बूढ़े हो जाएंगे ना वो, तो फिर उनके मुंह में दांत नहीं रहेंगे, फिर भी कोई भी टेस्टी चीज़ नहीं खा पाएंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को पढ़वाई, ठीक है, ये आपको पढ़ने अच्छे से। तो पहला क्या है, अंग्रेज़ी, दूसरा क्या है, गंगा, तीसरा क्या है, उमंग, ठीक है, उसके बाद क्या है, सुरंग, फिर क्या है, बंगाल, फिर क्या है, तिरंगा, फिर क्या है, जंगल, फिर क्या है, कंगाल, फिर क्या है, मंगल, फिर क्या है, मोंगा, फिर ये क्या लिखा है, फरलांग, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।